नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। अगर आज आपको इमरजेंसी में 108 व 102 एम्बुलेंस की आवश्यकता है और आपने 102 और 108 पर कॉल किया तो आपको केवल निराशा ही हाथ लगेगी। जी हां, रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में जहां एम्बुलेंस पायलट हड़ताल पर हैं, वहीं रायबरेली में भी एम्बुलेंस पायलट हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर उग्र भी नजर आ रहे हैं। रायबरेली शहर के जीआईसी ग्राउंड पर सभी पायलट एम्बुलेंस को खड़ा कर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अपने वेतन संबंधी मांगों को लेकर विरोध कर रहे इन पायलटों का आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि सभी ने 102 व 108 एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया है और अपनी कंपनी जीवी के व आईएमआरआई के विरोध में जमकर बवाल काट रहे हैं। पायलटों का आरोप है कि हम लोगों को 8,000 रुपये महीना दिया जाता है, 8 घंटे की ड्यूटी में 12 घंटे का काम दिया जाता है और ना तो ओवर टाइम दिया जाता है और ना तो समय से वेतन भी नहीं मिलता और ना ही काम के हिसाब से वेतन दिया जाता है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में 102 व 108 कुल 89 एम्बुलेंस हैं, जिनमें से 284 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन दोनों एम्बुलेंसों को जीवीके व आईएमआरआई कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। साथ ही साथ इन लोगों की मांग है कि हम लोगों को बीते 3 माह से सैलरी भी नहीं मिली। हम सभी अन्य जनपदों से हैं और अब स्थिति भुखमरी की आ गई है, पर कंपनी वालों को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जो भी इसके विरुद्ध आवाज उठाता है उसे बाहर का रास्ता दिखाने की धमकी दी जाती है। अब ऐसे में हम बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोगों ने प्रदेशव्यापी हड़ताल की है और यह हड़ताल तब तक चलेगी जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती। क्या नाम है? अतुल सिंह। आज आप लोगों ने हड़ताल की है, आखिर क्या वजह है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि पायलट प्रोजेक्ट बंद किया जाए और दूसरी मांग है कि हमको 4 साल से वेतन वृद्धि नहीं हुई है वो बढ़ाया जाए 15% एग्रीमेंट के साथ और टाइम पे पैसा भी मिलना चाहिए। टाइम से हमारे ये मांग कि 1 से 10 तारीख के बीच में हमारा वेतन भुगतान किया जाए। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। इससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, ये मान रहे हैं कि आपकी बात सत्य है, लेकिन हम भी तो मजबूर हैं। शासन हमारी सुन ही नहीं रहा, ना कंपनी सुन रही, इसलिए धरना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार दुबे। आज आप लोगों ने हड़ताल की है, आखिर क्या कारण है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? इसमें कई कारण और कई मांगे हैं। मांगे तो इस प्रकार हैं कि जैसे इनका पायलट प्रोजेक्ट एक कोढ़ जैसी बीमारी है हम लोगों के लिए, पहले तो इसको बंद किया जाए पायलट प्रोजेक्ट। हम लोगों का टाइम से भुगतान किया जाए, 4 महीने से कोई वेतन नहीं आया है और 5 साल से कोई भी वेतन वृद्धि नहीं हुई। वेतन बढ़ाया जाए, ड्यूटी 12 घंटे के बजाय 8 घंटे की जाए, ओवर टाइम हम लोगों को भी दिया जाए। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो आप लोग क्या करेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार विश्वकर्मा है, मैं EMT हूँ 108 का। आज जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, किस लिए हड़ताल कर जा रहे हैं? हड़ताल में हमारी प्रमुख मांगे हैं जिसमें सैलरी बेसिस पे सैलरी नहीं दी जा रही है। आज 4 सालों से सैलरी में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है, न समय से सैलरी आती है। इसके साथ साथ एक पायलट प्रोजेक्ट हमारे लोग को लागू कर दिया गया है। क्या है पायलट प्रोजेक्ट? पायलट प्रोजेक्ट में प्रति केस में आपको 60 रुपये दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, आपको सैलरी से हटा दिया जाएगा। आप 24 घंटे में जितने भी केस करेंगे उस केस के हिसाब से आप 60 रुपये प्रति केस के हिसाब दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।